हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुखिंदर कौर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जी जी डी एस टी कॉलेज हरियाणा हुशियारपुर। असी लास्ट लैक्चर तो कर रहे हैं टॉपिक इंट्रस्ट, और इंट्रस्ट के असी थ्यूरीज ऑफ इंट्रस्ट करनी है सी। और पहली थ्यूरी जी है इंट्रस्ट की, वह आप शुरू की सी लास्ट के क्लासीकल थ्यूरी ऑफ इंट्रस्ट, और आप कर चुके हैं क्लासीकल थ्यूरी ऑफ इंट्रस्ट के जो इंट्रस्ट हैगा उदी जिहड़ी डिटरमीनेशन है, इंट्रस्ट जिहड़ा डिटरमीन हुंदा और डिमांड फॉर ते सप्लाई ऑफ मनी दे अकॉर्डिंग जिहड़ा डिटरमीन हुंदा है। और अज असी सैकंड थ्यूरी है जिहड़ी इंट्रस्ट दी, लोनेबल फंड थ्यूरी, ब्याज जां ऋण योग फंड सिद्धांत, जां न्यू क्लासीकल थ्यूरी ऑफ इंट्रस्ट, नव परंपरावादी सिद्धांत इसनूं कहा जांदा। पहली थ्यूरी क्लासीकल सी, ये न्यू क्लासीकल है, या फिर इसनों लोनेबल फंड थ्यूरी कहा जाता। और लोनेबल जिहड़े असी वह फंड जिहड़े आपां लोन देने नूं तैयार हुंदे आ। सब तो पहला तो ये कि जिहड़ा सिद्धांत सानूं ये विकसेल ओहलिन मिडल इकोनमिस्ट्स ने दिता है, तो उस तो बाद रॉबर्टसन इकोनमिस्ट ने भी इसका फेवर किया। विकसेल WICKELL, ओहलिन OHLIN, मिडल MYRDAL, एंड नैक्सट रॉबर्टसन जिहड़ा इकोनमिस्ट हैगा उन्हें इस सिद्धांत सानू दिता। रॉबर्टसन ने की कहा कि अकॉर्डिंग टू द लोनेबल फंड थ्योरी की है इंट्रस्ट, इंट्रस्ट इज़ द प्राइस विच इक्वेट्स द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। मीनस इस थ्योरी के भी उही है कि जिहड़ा रेट ऑफ इंट्रस्ट है वह रेट हुंदा, इंट्रस्ट वह हुंदा, वह प्राइस हुंदा जिहड़ा डिमांड ते सप्लाई जिहड़ी लोनेबल फंड्स की है, जिते दोनों इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड हुंदा। मीनस डिमांड लोनेबल फंड्स की डिमांड तो उन्होंने सप्लाई दे जिथे इंटरसैक्ट करेगी उत्थे ये ब्याज है जिहड़ा इंट्रस्ट है जिहड़ा वो फिक्स किया जाएगा। और जदों ये थ्यूरी की जाती है, जदों इस थ्यूरी के जो मनिया जाता कि जो रेट ऑफ इंट्रस्ट को डिटरमिन किया जाता, तो सारे मॉनिटरी फैक्टर्स लाइक मनी की जिहड़ी होल्डिंग आप कर लेंगे उन्होंने संग्रह कर लेंगे, या फिर जो असं डिसहोल्डिंग करते हैं, या फिर जो बैंक क्रैडिट क्रिएट कर दी, उहदे नाल नाल जिहड़े होर फैक्टर्स आ जिवें जिहड़ा इंट्रस्ट है वह साडी वेट दा, साडी उडीक दा, साडी प्रोडक्टिविटी, साडी सेविंग दा रिजल्ट हुंदा, उन्हां सारे फैक्टर्स नूं इस थ्योरी दे विच ध्यान दे विच रखिया जांदा। हुण इस थ्योरी नूं जदों कीता जांदा तां इहदे विच मन्निया जांदा कि जिहड़े लोनेबल फंड्स दी डिमांड ते लोनेबल फंड्स दी सप्लाई, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स जिहड़े ये कैलकुलेट किए जांदे आ, जिथे ये दोनों इंटरसैक्ट होणगे उत्थे रेट ऑफ इंट्रस्ट डिटरमिन होएगा। सब तो पहला सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, कि लोनेबल फंड्स जिहड़े असी जिहड़े फंड जिहड़े आप लोन देने तैयार होंदे वो आते कित्थों आ, इहदे विच सब तो पहला सेविंग तो, कि जिहड़ी आप सेविंग करते हैं, करंट सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ द प्रीवियस इनकम, अज की साड़ी जिहड़ी सेविंग आ साड़ी पिछले लास्ट इनकम पर डिपेंड करती है, लास्ट इनकम ज़्यादा होया तो साड़ी हुण दी सेविंग ज़्यादा होएगी, जो पहले इनकम घट सी तो सेविंग घट होएगी, इसलिए सब तो पहला तो सेविंग्स जिहड़ियां हैगियां ये लोनेबल फंड्स का मेन सोर्स होंदियां, इना करके लोनेबल फंड्स आ जिहड़े वो आते हैं कि जे सेविंग ज़्यादा होएगी तो लोनेबल फंड्स भी ज़्यादा होणगे ते कर्जे वाधू दिते जाणगे। तो उस तों बाद दूसरा हैगा बैंक क्रैडिट क्रिएशन, बैंक क्रैडिट भी कह देंदे इहनूं आपां, जिस तरह ये टॉपिक आपां सैकंड सेमेस्टर च माइक्रो इकोनॉमिक्स कर चुके हैं कि बैंक्स जिहड़े आ क्रैडिट किस तरह क्रिएट करते हैं। आप उत्थे देखिया सी कि एक जिहड़ा प्राइमरी डिपॉजिट हुंदा पिया 1000 दा, उहदे विच CRR कैश रिजर्व रेशो ते RRR रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो जिहड़ी आ कढ़न तों बाद लैस करन तों बाद जो बाकी बचदा सी बैंक उस दा लोन क्रिएट करदे आ। फिर इस तरह यह प्रोसैस चलती रहिंदी है, तो 1000 प्राइमरी डिपॉजिट दे नाल काफ़ी सारे सैकेंडरी डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो लगभग 10,000 की जिहड़ी क्रैडिट क्रिएशन हो जाती है, कि 1000 हुंदा जस्ट पर 10,000 का जिहड़ा लोन दे दिता जाता। उस तो बाद डिसहोल्डिंग ऑफ सेविंग, सेविंग अपने आप च लोनेबल फंड नहीं होंगी, सेविंग नूं जदों असीं डिसहोल्ड कर लेंदे आ तां ओह फिर साडी लोनेबल फंड्स दे विच आ जाती है। होल्डिंग मे बी डिफाइंड एज द पीपल्स डिजायर टू होल्ड वैल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो नैक्सट हैगा डिसइनवैसटमेंट, तो कई बार जो असं पुराने कितने इनवैसटमेंट की होंगी उन्होंने डिसइनवैसट कर लेंगे तो वह मनी फिर साढ़े को आ जाती है एक तरह के नाल इनवैसटमेंट कर, इसलिए वो फिर लोनेबल फंड का जिहड़ा रूप लै लैंदी है। इसलिए जिहड़ी सप्लाई हैगी लोनेबल फंड्स की वह होंदी है सेविंग, सप्लाई जिहड़ी लोनेबल फंड्स की है उहदे विच इनकलूड होंदी सेविंग एस
प्लस दूसरा बैंक क्रैडिट बी प्लस तीसरा डिसहोल्डिंग डी एच प्लस नैक्सट हैगा डिसइनवैसटमेंट जिन्होंने असं डी आई कह देंगे। हूँ नैक्सट हैगा कि ये तो सी कि जितों सप्लाई होंगी है लोनेबल फंडस की, हूँ हैगा कि लोनेबल फंडस नूं डिमांड कौन करता, कौन लोग डिमांड करते हैं फंडस की। सब तो पहला इन्वैसटमेंट लिए डिमांड की जाती है, बिजनेसमैन डिमांड करता है क्योंकि उन्हें इन्वैसटमेंट करनी होंगी है, तो जो रेट ऑफ इंट्रस्ट घट होएगा उदों लोनेबल फंडस की जी डिमांड वो ज़्यादा हो जाएगी। आम करके जिहड़े सप्लाई दे नाल रेट ऑफ इंट्रस्ट का जिहड़ा रिलेशनशिप आ, जिहड़े असीं सप्लाई दे फैक्टर्स लिखे आ सारे सेविंग बैंक क्रैडिट डिसहोल्डिंग जां डिसइनवैसटमेंट, ये सारिआं दे नाल रेट ऑफ इंट्रस्ट का पॉजिटिव रिलेशनशिप हुंदा। पर जिहड़े डिमांड फॉर लोनेबल फंडस आ इन्हां दे नाल रेट ऑफ इंट्रस्ट का नैगेटिव रिलेशनशिप हुंदा। इसलिए सब तो पहला तो इन्वैसटमेंट इहदे विच आउंदी आ डिमांड दे विच, डिमांड फॉर लोनेबल फंडस दे विच कि इन्वैसटमेंट करन दे लई लोनेबल डिमांड फंडस नूं डिमांड कीता जांदा है, बट इहदा इंट्रस्ट के नाल जिहड़ा रिलेशनशिप वो नैगेटिव होएगा कि जे इंट्रस्ट ज़्यादा होएगा तो इन्हां दी डिमांड घट होएगी, जे इंट्रस्ट घट होएगा तो इन्हां दी डिमांड ज़्यादा होएगी। दैन सैकेंड जिहड़ा असीं लोनेबल फंडस जिहड़े डिमांड करते हैं वो फॉर कंजम्पशन परपज, इसलिए सैकेंड इहदे च आ जांदी कंजम्पशन। कि कई बार असीं अपनियां लोड़ां नूं पूरियां करन लई अपनी फैमिली दियां लोड़ां नूं पूरा करन लई भी लोन लैंदे आ, पर फिर भी वह भी रेट ऑफ इंट्रस्ट ते डिपेंड करदे, जे रेट ऑफ इंट्रस्ट घट होवे तां ज़्यादा लै जांदे, जे ज़्यादा होवे तां घट लै जांदे। नैक्सट हैगा होल्डिंग। कई बार असीं कई बार जदों अगे कितने मनी यूज़ करनी होंगी है तो असं अज उसकी होल्डिंग करनी शुरू कर लें, होल्डिंग मीनस असं उन्होंने अपने को कैश की फॉर्म च रखना शुरू कर लेंगे। पर यह भी इतने जरूर याद रखना चाहिए कि जी मनी की होल्डिंग वो भी रेट ऑफ इंट्रस्ट से डिपेंड करती, जो रेट ऑफ इंट्रस्ट घट होएगा तो होल्डिंग ज़्यादा होएगी, जे रेट ऑफ इंट्रस्ट ज़्यादा होएगा तो होल्डिंग जी घट हो जाएगी। तो उस तो बाद नैक्सट की जी डिटरमीनेशन आ, हूँ देखो ये साढ़े को जे फैक्टर्स है ये डिमांड फॉर लोनेबल के फैक्टर्स आ, जोड़े उपर है पॉजिटिव रिलेशनशिप के नाल ये है सप्लाई ऑफ लोनेबल फंडस के। हूँ जे इन आप कर चुके हैं कि इस थ्योरी के यह है कि जिते दोनों फैक्टर्स इक्विलिब्रियम च होणगे उत्थे साडा इंट्रस्ट जिहड़ा वो डिटरमिन होएगा। इसलिए देखो जिथे इन्वैसटमेंट डिमांड कैश डिमांड तो होल्डिंग डिमांड तीनों जोड़े डिमांड फॉर मनी डिमांड फॉर लोनेबल फंडस के फैक्टर्स आ, तो दूसरी साइड से सेविंग बैंक क्रैडिट डिसहोल्डिंग डिसइनवैसटमेंट जिते बराबर होंगे उत्थे साडा इक्विलिब्रियम आ जिहड़ा होएगा। तो जिहड़े साढ़े इन्वैसटमेंट फॉर लोनेबल के फैक्टर्स है जिहड़े उहदे उहनां दी जिहड़ी करव आ, क्योंकि वो नैगेटिव रिलेशनशिप आ डाउनवर्ड स्लोप दी है, तो दूसरियां जिहड़ियां करवस सप्लाई फॉर लोनेबल फंडस दीआं हैगीआं वो पॉजिटिव स्लोप दीआं करवस आ, तो ये इस तरह ये इंटरसैक्ट कर रहे हैं और ये सारे आर पॉइंट के उत्ते तकरीबन इंटरसैक्ट कर रहे हैं। इसलिए जिथे ये इक्विलिब्रियम च हैगे एक तरह आप कह सकते हैं, और जिथे इक्विलिब्रियम च हैगे आ वो जिहड़ी लाइन मनी जाती है डिमांड फॉर लोनेबल फंडस की तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंडस की, तो जिथे वो इंटरसैक्ट करते पे आ वो इक्विलिब्रियम पॉइंट मनिया जाता। तो मन के चलते हैं आप कि रेट ऑफ इंट्रस्ट आ जिहड़ा वो आर डिटरमिन किया जाएगा, क्योंकि ये आर दे उत्ते सारे एक दूसरे नूं इंटरसैक्ट करते हैं। पर इहदे विच वी मन्निया जांदा कि रेट ऑफ इंट्रस्ट दो हुंदे, एक मार्केट रेट ऑफ इक्विलिब्रियम रेट हुंदा ते एक नैचुरल रेट हुंदा। नैचुरल रेट वैसे जिहड़ा होएगा वो आम करके ओ एन होएगा, कि जिहड़ा नैचुरल रेट जिहड़ा आपां चाहुंदे आ जिहड़ा आपां सोचदे आ कि होएगा, पर असल दे विच जिहड़ा मार्केट दे विच उही चलदा हुंदा जिथे डिमांड फॉर लोनेबल फंडस ते सप्लाई ऑफ लोनेबल फंडस इंटरसैक्ट करते हुंदे आ। तो वो कर रहे हैं पॉइंट ई दे उत्ते कि जिथे रेट ऑफ इंट्रस्ट किन्ना हैगा आर, तो आर जिहड़ा साडा आ वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंट्रस्ट होएगा इस थ्यूरी के अकॉर्डिंग, लोनेबल फंड थ्यूरी के अकॉर्डिंग। नैक्सट इस थ्यूरी का क्रिटिसिजम किया जाता, इनू क्रिटिसाइज़ करन दे लई जिहड़े क्रिटिक्स हैगे आ उन्हां दा कहना सब तो पहला तो डिविशियस कंसैप्ट हैगा कि इहदे विच होल्डिंग जिहड़ा वर्ड उहनू वरत लिया, तो होल्डिंग घट भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, मीनस कि वाधू दे वर्ड यूज़ किए आ जिन्हां दी लोड़ नहीं सी उहनां तों बिना भी एक्सप्लेनेशन दित्ती जा सकदी सी। इनडिटरमीनेट कि प्रोफेसर हैंसन का कहना सीगा कि यह थ्योरी इनडिटरमीनेट हैगी है, क्योंकि इहदे विच इह पता नहीं लगता कि थोड़ा रेट ऑफ इंट्रस्ट है जिहड़ा वो आमदन की चेंज के नाल किस तरह का चेंज होएगा, तो आमदन की चेंज का वो कि इफेक्ट पेगा, क्योंकि जो थोड़ी इनकम चेंज होएगी तो नशक थोड़ी सेविंग चेंज होएगी, डिसहोल्डिंग ऑफ सेविंग इफेक्ट पेगा, यह सारा कुछ इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। उस तो बाद नैक्सट है अनरियलिस्टिक कंजम्पशन ऑफ फुल इंप्लायमेंट, केन्स की थ्योरी आ, केन्स ने ये भी किया कि इस थ्योरी की जी एक वास्तविकता धारणा है कि फुल इंप्लायमेंट इकोनॉमी पाई जाती जी नहीं पाई जाती, इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन इन्वैसटमेंट ऑन इनकम। फिर इन्वैसटमेंट जो की जाऊगी तो वह इनकम तो इफेक्ट भी पेगा, उन्होंने तो इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया,
इनकम का इनवैसटमेंट से जोड़ा इफेक्ट आ वो एक्सप्लेन करता खैर सेविंग के थ्रू कि इनकम ज़्यादा होएगी सेविंग ज़्यादा होएगी तो इनवैसटमेंट के लिए डिमांड जी की जा सकती है पर इनवैसटमेंट का फिर इनकम से की असर पैंता उसने इसने एक्सप्लेन नहीं किया। इस लोनेबल फंड थ्यूरी तो पहली थ्यूरी क्लासिकल थ्यूरी ऑफ इंट्रस्ट आप कर चुके हैं। उस तो बाद नैक्सट जरा बुक के डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल थ्यूरी एंड लोनेबल फंड थ्यूरी हैगा है तुम आप करोगे जो कोई प्रॉब्लम हुई जो कोई डाउट हो तो मैं पूछ सकते हो तो इस टॉपिक कंप्लीट होंगे। नैक्सट टॉपिक आप अगले लैक्चर के करा। थैंक यू सो मच।